तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरा नाम अनिश और आप देख रहे हैं डेली डूर्स वगैरह आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आ चुका हूँ हरीश जी के पास तो हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं चल नमस्कार अनिश जी नमस्कार सर नमस्कार तो आज इनकी जो छत है जो है इनकी टेरिस है इनको पूरा एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कौन कौन से वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स कौन कौन से एडेनियम के प्लांट्स कौन कौन से प्लांट्स हैं जो लगा रखे हैं तो ऑलमोस्टर कितने प्लांट्स होंगे आपकी छत पर हाँ अनिल जी करीब छः से सात सौ प्लांट गमले और सब मिला <laughs> के मेरे पास है नहीं, मैं लग, लग रहा है कम से कम पाँच हज़ार से ऊपर प्लांट होंगे इसी तरह बोल रहे हैं एक एक में करीबन आठ तो दर्ज भी लगे हुए हैं तो सारी चीज़ें ना हम इनके डिटेल में इनके छत को देखेंगे और देखेंगे और इनकी गार्डनिंग जर्नी की जा, जानेंगे कि कैसे कर रहे हैं इतने बड़े लेवल पर गार्डनिंग कितना टाइम देते हैं सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे तो सर का अपना एक चैनल है क्या नाम है सर रूफ टॉप ऑर्गेनिक्स रूफ टॉप ऑर्गेनिक जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ रहा हूँ तो वो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं ये वीडियो

साथ में आप देखेंगे तो अब हमारी छत पे देखेंगे चारों तरफ बेली बेल बेली बेल, बेल दिख रहा है हाँ तो पहले आपको ना एक लुक दिखा दू इनकी छत का ये देखिए ये पूरा 360 डिग्री व्यू है इनका पूरा जंगल है जंगल है <laughs> तो सर बोलते है की चार सौ पांच सौ कहा चार सौ पांच सौ कम से कम पांच हजार से ऊपर प्लांट्स है और ये इस तरफ कौन कौन से प्लांट लगा रखे हैं तो जी ये हम ये घी की बेल है हमारी गई भी है ऊपर और ये देसी घिया है हरा वाली हरी हरी वाली अलग वेरायटी प्रकार की है अच्छा तो बहुत अच्छी लंबी घिया आती है और उसका जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका कलर बहुत अच्छा है ओके और ये पीछे फिर से इसमें है ये हमारा कुछ नहीं था इसमें पीछे कुछ प्लांट थे अब इसके अंदर भी एक घी की बेल है जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से गई हुई है क्या ये भी ऊपर तक फैल रही है बहुत बढ़िया ये कुछ मैंने देसी तोरी के बीच में रिजल्ट अच्छे रिजल्ट हाँ। इसके मिले नहीं है हाँ। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा की अपने बीजों पर ही जाया करे जो अच्छे जिनको आपको समझ है हमेशा वही लगाना चाहिए हम कई बार ऐसी गलती कर देते हैं लालच आ जाता है लेकिन रिजल्ट फिर कई बार बहुत अच्छा मिलता नहीं है तो अगर हम एंट्री करते हैं तो ये साइड हमारी आप देखेंगे तो ज्यादातर ये भिंडी के है वेजिटेबल देखिए भिंडी हमारी लगभग जो हमें दो तीन महीने से भिंडी दे रही थी हाँ। अब अपने अंतिम चरण में है लगभग पंद्रह से बीस दिन के बाद ये सब समाप्त होने वाली है हाँ। लेकिन अभी भी इनका साइज बहुत अच्छा है कुछ भिंडी के प्लांट्स को मैं धीरे धीरे खत्म करते जा रहा हूँ क्योंकि अभी और भी ये देखिए क्योंकि हमें दूसरे प्लांट्स भी इसमें अब लगाने हैं और ये हमारा मिर्ची का प्लांट है मिर्ची का प्लांट है ये भी हमारा मिर्ची का है ये हमारा एक फली का प्लांट है जिसमें हमारी बहुत सारी फलियां आई थी अब लगभग हम तीन चार सब्जियां इसकी खा चुके हैं सही बात है। ये भी दी एंड पर आ रहा है हा, हा, हा। पीछे की साइड से आप देखेंगे नीम की बेल है और नीम का पेड़ है सॉरी बेल नहीं और ये बगुन बेलिया का पीछे से बेल गई भी है ये भी जब खिलता है फ्लावर बहुत अच्छा लगता है और पीछे पूरा तोरी ने कवर किया हुआ ये हमारा तो आप देखेंगे छोटी छोटी तोरिया इसके अंदर लगी हुई है कुछ तोरिया हम हार्वेस्ट कर चुके हैं और ये देखिये चार दो तोरी इधर दो साइड में देखिए वो लगी हुई है और बहुत जल्दी ये पूरा भर जाता है तोरियों से हमारा <laughs> और बहुत बढ़िया ये हमारे मिर्ची के पेड़ है हाँ। डेली हम इसमें तीन तीन चार चार मिर्चे तोड़ने को ले जाते हैं पंद्रह बीस मेरे मिर्च के प्लांट हैं हाँ। आपको अलग अलग रखे हुए नजर आएंगे इसलिए ऐसा नहीं पता लगेगा कि एक ही जगह नहीं है क्या बात ये मेरी है? आदत है मैं हर जगह फैला फैला के रखता हूँ हाँ। ये पीछे हमारा चाइना ऑरेंज का है जब ये खिलता है सर्दियों में बहुत खूबसूरत हो जाता है, क्या है अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है हाँ। और ये हमारा एक प्लांट है जो पीछे की तरफ मेरा चले गया इधर की तरफ है हाँ। <laughs> उसमें बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं जो इधर से दिख नहीं रहे हैं हाँ, लेकिन दिक्कत ये इधर को करता हूँ तो ये बाकी सब चीजों को कवर कर लेता है इसलिए मैंने इसको पीछे की तरफ किया हुआ है और ये भिंडी के पेड़ और इनको देखिए ऐसी जड़ आपको शायद कहीं और मिले ना और नीचे तक आप देखेंगे ये देखिए इस प्रकार से यहाँ भी भिंडी आ रही है जो मैंने बीच के लिए छोड़ दी है टाइट हो गई है और ये भी भिंडी है इसमें फिर तोरी का प्लांट है ये भिंडी है हमारी हाँ और ये बोगन बेलिया है क्या बात जो रिसोर्ट के अंदर है और अरे ये, ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा जो है ये आपने तैयार किया है सिर्फ फ्लावर्स को लेके नहीं नहीं जी ये फ्लावर तो जबरदस्ती इसके साथ हो गया सनफ्लावर इसके साथ हो गया <laughs> ये हमारी टैंकी थी जिसमें मैंने भिंडी के पेड़ लगाए थे <laughs> लेकिन पूरी गर्मियों के अंदर इसने हमें फूल दिए हैं और ये फ्लावर्स हमारे मंदिर में चढ़ाने के डेली काम आते हैं <laughs> तो फ्लावर्स की हमें बहुत जरूरत महसूस होती है इसलिए फ्लावर्स में बहुत लगाता हुई हूँ <laughs> ये साथ में मैंने हल्दी लगा रखी है ये बैगन है कुछ गुलाब के हैं गुलाब को मैंने सिर्फ डॉर्मेंसी के लिए छोड़ा हुआ है आप देख रहे हैं गुलाब की हालत खराब हो रही होगी ये ऐसा नहीं है ये जान के किया गया है क्योंकि इस टाइम पर गुलाब जितना डोरमेंसी में जाएगा फिर उसके बाद इसको हम सेप्टेबर में एंड में कटिंग करेंगे हाँ। उतना ही अच्छा बात में होता है अच्छा गुलाब के लिए थोड़ा सा इसमें सेपरेट छोड़ा हुआ है हाँ। गुलाब का नहीं है बाकी ये सब हमारा फ्लावर सेक्शन है जहाँ हमारे फ्लावरिंग आती है क्या बात सर्दियों है में ये पूरा हमारा गुलदाबदी से भर जाता है हाँ? ये आप देख रहे हैं अलमांडा शायद हाँ? इतने खूबसूरत अल्मांडा आपको कहीं सिर्फ नर्सरी में ही मिलेंगे नर्सरी में भी इतने बड़े प्लांट नहीं मिलेंगे ये मेरे अपने हाथ से ग्रो किए हुए प्लांट हैं। क्या बात है सर तो अलग अलग प्रकार की हमारे पास अलमांडा है और अनिश जी जो मैं आपको दिखाऊं हमारी जो छत का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और जो सबसे खूबसूरत चीज है और जिसको आप ये देख रहे हैं ये है हमारे जो हमारे छत के सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आप देख रहे हैं ये है हमारे अडेनियम हाँ। और आप देखिए ये अडेनियम आप क्लोज कवर कर, कवर करेंगे तो ये देखिए सबसे ज्यादा पुराना मेरा अडेनियम है जो सात साल का हो गया है इसकी कॉस्ट इस टाइम पे फाइव थाउजेंड के आसपास में होगी और ये ओबेसम वेराइटी है फ्लावर्स इसमें भर भर के आते हैं अप्रैल से फ्लावर स्टार्ट हो जाते हैं अभी बरसात थी बरसात के बाद थोड़ा फ्लावर झड़ गए हैं अब इसमें दोबारा से फ्लावरिंग से धीरे धीरे सब भर जाएंगे इस प्रकार से इसी से मैंने दूसरे प्लांट भी किए हुए हैं ये ग्राफ्टिंग से देखिए मैंने दो कलर है इसमें हाँ। एक ये और एक ये जनरल जो इसका कलर होता है अच्छा। ग्राफ्टिंग भी मैं काफी करता रहता हूं। और ये देखिए रोजी रोजी उसमें है हाँ। अडेनियम रोजी इस प्रकार के जब फ्लावर्स आपके गुलाब को भी माफ कर देता है तो कई बार तो मतलब इसमें होता है कि गुलाब में जैसे गर्मी में फूल नहीं आते है ना लेकिन अडेनियम आपका भर भर के फ्लावर देता है तो आपकी छत सुनी नहीं लगती है मैंने ये देखा है तो इसमें आपको अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे कुछ अब मैंने अरेबिकम भी स्टार्ट किया है लाना ये आप देख रहे हैं ये अरेबिकम है क्या बात है सर और ये अरेबिकम में नीचे नीचे से इस प्रकार से निकलते ब्रांचेस हैं निकलते है हाँ, ब्रांचेस एक हो रहा है, वो मैं बहुत निकलते है, हैं हाँ। ये देखिए है। हाँ। फ्लावर्स बहुत कम आते हैं आप देख रहे हैं इसमें बीज भी बन रहे हैं स्टार्टिंग में देखिए ऊपर लुक बड़ा अच्छा लुक बहुत अच्छा आता है लेकिन इसका मेरे को अभी पॉट चेंज करना है मैं धीरे धीरे इसका पॉट चेंज करूंगा लग रहा है होता पाम का जो फिंगर है उस टाइप का ये आता है और ये देखिए कितना खूबसूरत है बहुत प्यारा है ये तो भाई ये बढ़िया ये कलर नहीं दिखा मुझे हाँ। <laughs> और ये जो मेरा है ये हाँ। मैंने ग्राफ्टिंग किया हुआ है ये हमारे पड़ोसी थे उनके वहाँ से मैंने एक छोटी सी कलम ली थी हाँ। उनके वहाँ से मैंने एक छोटी सी कलम ली थी इसमें किया। ये मेरा थ्री इन वन है हाँ। एक, एक कलर। हाँ। अभी इसमें व्हाइट आए थे अब खत्म हो गए आपको दिखाऊँ देखिए आपको दिख जाएगा एक फ्लावर ही दिखेगा गौर से देखिये उसमे अभी खिलाड़ी देखिए व्हाइट आ रहा है

पीसते हुए इनका बनाते हैं और इसका छिड़काव हम अपने सब्जी ऊपर करते हैं इन पर करते हैं हाँ। तो इससे कीड़े नहीं लगते हैं अच्छा। ये बहुत ही अच्छा है और सब्जी को चढ़ाने के काम भी तो आता है ना हाँ, हाँ, है ना हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, तो है। इसके इसका ये जो फ्रूट होता है हाँ। ये भगवान शिव को सोमवार को चढ़ा दिया जाए तो कह नहीं क्या है ना तो एक पीछे आप देखेंगे अमरूद का पेड़ है अभी हमने अमरूद की एक्चुअली हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं अभी हमने अपने वीडियो पर भी शेयर किया था पंद्रह बीस अमरूद हमारे इसके अंदर थे बहुत बढ़िया तो यहाँ पर अमरूद थे अभी ये तोरी देखिए ये तोरी हमारी नजर से रह गई है हाँ, ये हार्वेस्टिंग के बस थोड़ा सा बहुत करीब है हार्वेस्टिंग इसको भी एक दो दिन के अंदर हम कर, कर लेंगे ये पीछे आप देखिए हमारी हल्दी है हाँ। कुछ मिर्ची के पेड़ है पीछे बहुत कुछ लगा रखा बहुत कुछ है बहुत कुछ है मेरी ये मॉर्निंग ग्लोरी है देखिए पीछे अब वो फूल थोड़ा सा टाइम हो चुका है तो फूल बंद हो चुके हैं लेकिन ये बहुत बहुत ही सुंदर लगता है जब मॉर्निंग के अंदर आती है क्या ये भिंडी के अपने ये जो जो प्लांट है हाँ। ये अब अंतिम चरण में अपने हैं लेकिन अभी भी आप देखिए भिंडी हाँ। ये हमारी बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए इनकी हार्वेस्टिंग आज हम करेंगे हाँ हाँ। और पूरे सीजन में हमने अपनी भिंडी नहीं तोड़ी हाँ। और एक हफ्ते के अंदर एक किलो भिंडी हमें मिल जाती है एक से ज्यादा ही मिलती है तो बाकी ये हमारी घिया की वेल है देखिए पूरी फैल रही है और ये कद्दू है देसी कद्दू जिसके छोटे छोटे आते हैं बहुत ही है ये टफ के अंदर हमने लगा रखे हैं पीछे हमारे पास केले का पेड़ है क्या बात वो भी हमने लगा रखा है हाँ। और मिर्ची के पेड़ ये देख रहे हैं आप ये हमारी मतलब मिर्च आप, है आपने अपने छत पर सब कुछ लगा दिया लगभग लगभग बहुत कुछ है अनु बाहर से कुछ, कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं।, नहीं।, नहीं है लोगों को बिल्कुल बिल्कुल ये तुलसी है देखिए तुलसी को भी हम बहुत हमारे पास तुलसी के आठ दस प्लांट हैं जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन तुलसी बहुत है और हम तुलसी की चाय हमेशा रेगुलर पीते हैं क्या बात है कर दिया आपने और आप देखेंगे इधर ये भी एक कद्दू का पेड़ है जो देखिये ऊपर तक गया हुआ है अच्छा ये देखिए ये भी कद्दू का पेड़ ये ऊपर तक गया हुआ है और ये देखिए कद्दू भी तक हार्वेस्टिंग हम कर चुके अब ये गया की और और हार्वेस्टिंग हमारी होगी पीछे की साइड ये मिर्ची के हमने रखे हुए है तो भाई सर आपका छत तो रियली मतलब कि हर चीज से ना भरा पड़ा है आप फ्लावर लगा लीजिए आप एडेनियम हो या फिर आपके वेजिटेबल्स के प्लांट्स हो सब कुछ आपने बिल्कुल कलेक्ट कर रखा हुआ है सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से है किस प्लांट से है कहना तो बहुत मुश्किल होता है लेकिन ऑफ कोर्स अडेनियम 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 के बाद नेक्स्ट लेवल क्या चीज से प्यार है आपको अडेनियम के बाद नेक्स्ट तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी तो सब क्या है कि ना आप प्लांट होते रहते हैं नहीं नहीं आप बताइए ऐसे नहीं चलेगा आप बताइए कि नेक्स्ट किस किस पौधे पे ज्यादा ध्यान रखा है आपका नेक्स्ट बाकी तो मतलब सीजनल प्लांट है बाकी मेरा हिबिस्कस पर हिबिस्कस पर, पर मैं अपना okay. ज्यादा अलमांडा हां हिबिस्कस के बाद अलमांडा हाँ। ये कुछ मेरे ऐसे प्लांट हैं जो मेरे को साल फ्लावर देते हैं हां तो मेरा इन पर बहुत ध्यान रहता है अच्छा और कुछ मैंने बोनसाई भी बनाने की कोशिश की है और वेजिटेबल्स पे वेजिटेबल्स पर तो ऑफकोर्स होता ही है वेजिटेबल पर तो मेरा साल भर चलता रहता है अच्छा। उस उसमें ध्यान नहीं उन पर तो पूरा ध्यान होता है पूरा ध्यान होता है कि क्योंकि वो, वो... चीजें तो हमें रिटर्न दे रही है ना फ्लावर uh, से हमें एक आंतरिक खुशी मिलती है मेरा सारा तनाव वगैरह सारा दूर हो जाता है हाँ। अनिश जी कहीं से भी काम करके जब मैं आता हूँ हाँ। ना बहुत थका हुआ होता हूँ बहुत थका हुआ होता हूँ जूते उतारो कपड़े चेंज करो हाथ मुंह धो छत पर आ जाओ चाय पियो आपकी सारी उसके बाद में एक प्लांट के बीच में आई से कि लोगों को ये कहता हूँ कि आप गार्डनिंग करें कुछ तो करें कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे कभी आप तनाव में नहीं जाएंगे आपको बीपी नहीं होगा हाई बी मतलब आप शुगर के पेशेंट नहीं बनेंगे तो और क्या चाहिए और ऑर्गेनिक रूप से आप देख रहे हैं हमें अभी आपके साथ जो हमने आज हार्वेस्टिंग है सजा है तो ये हार्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं छत्तर हाँ, तो आप देखिए ना इतने जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो हाँ, आप क्यूँ छतर अपना नहीं करेंगे बस आपको अपने का वेट का ध्यान रखना है मैं तो आपको सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट ये बता दूं कि बहुत सारे लोग घबराते हैं हाँ। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है एक मिनट हाँ। में और लूंगा हाँ। तो आपको मैंने देखा आपने मेरे सब साइड साइड में मैंने अपने बड़े बड़े हैवी रखे हुए है। छोटे छोटे प्लांट हल्के हल्केल्के वो सेंटर में रखे हुए इस प्रकार से आप मैनेजमेंट करते हैं कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं राइस हस का इस्तेमाल करते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट रह गया अनिजी वो आज हम कवर नहीं कर पाए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा की किस प्रकार से मैं अपनी खाद बनाता हूँ और उन खाद को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं तो जब हम खाद को अपने सेल्फ यूज बनाने लगता हैं तीन चार किस्म से अलग अलग बनाते हैं खादम तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर, डिटेल करेंगे।, में कवर करेंगे बाकी अगर तो आज के लिए इतना ही बहुत इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया अगर आपने यहाँ तक अगर टिके हुए हैं वीडियो में तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और सर के चैनल का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ तो जाके उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बाकी आपको दिखाता हूँ कि जो हमने हार्वेस्टिंग की है वो ये की है क्या तो आज हमारी <laughs> पूरा सब्जी बाजार लेके आ गए हैं तो आई होप की आप सब भी इसको इंजॉय करेंगे हाँ। तो थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए थैंक यू नहीं, नहीं, नहीं मेरा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। तो मेरा चैनल है रूप टॉप ऑर्गेनिक्स तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिए आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगा जेनुअन टिप्स मिलेंगे ऐसा नहीं होगा कि ये डालिए आपके फूल आ जाएंगे जेन्यून टिप्स होगा तो आपको गार्डनिंग में पेशेंस रखना होगा हाँ। तो आप भी इसी प्रकार की गार्डनिंग कर सकते हैं बाकी आज के इतना रखते हैं फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक तो टेक केयर। नमस्कार।